हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम लोग देख रहे हैं तो चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर का नाम ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं और प्रोसेस हैं। मेनली इस चैप्टर में हम लोग तीन चीज़ ही देखेंगे। पहला टॉपिक है इसका प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल क्या है। दूसरा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या क्या हैं। पहले वाले में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में देखेंगे क्या सिद्धांत हैं, और दूसरे वाले में जो है टूल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीज़ों से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। और डीएनए टेक्नोलॉजी में जो है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम लोग कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ, ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये डील्स विथ क्या चीज़ से बायोटेक्नोलॉजी डील्स करता है, डील करता है। कह रहा है डील विथ टेक्निक, ये टेक्निक के बारे में बता रहा है। टेक्निक कौन सा टेक्निक, कह रहा है कि यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या और इंजाइम को और कर रहे हैं हम लोग। और इंजाइम कहाँ से, ये इंजाइम आ रहा है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म से आ रहा है। किस चीज़ के लिए आ रहा है, टू प्रोड्यूस, देने के लिए, क्या देने के लिए, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। प्रोडक्ट और प्रोसेसेस किसके लिए ये यूज़फुल है, कह रहा है यूज़फुल टू ह्यूमन। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी ये क्या है। तो कह रहा है डील विथ टेक्निक्स, ये टेक्निक्स हैं। कैसा टेक्निक्स हैं, यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, किस तरह के ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म या इंजाइम, कहाँ से, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। क्या चीज़ करने के लिए, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, ह्यूमन में जो यूजफुल हैं उसके बारे में ये बता रहा है। कह रहा है कि इन दिस सेंस, कह रहा है इन दिस सेंस मेकिंग कॉड बना रहे हैं हम लोग, ब्रेड बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, ऑल आर माइक्रोब बेस्ड, माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस। ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉड बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस हैं, ये माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस हैं। कह रहे हैं कि कुड बी, आगे ये क्या कर रहा है, हम लोग कह रहा है यहाँ पे कि जो हम लोग दूध दही से बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो कॉड हम लोग बना रहे हैं, जो ब्रेड हम लोग बना रहे हैं, या फिर क्या बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, ये सारे प्रोसेस जो है रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं, ये माइक्रोब से ये रिलेटेड है, माइक्रोब। ये सारे प्रोसेस किससे रिलेटेड हैं, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं, ये सारे जो हैं ये माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस हैं। और बता रहा है कि कुड ऑल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म यूज समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है, यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म हो रहा है, कॉड जो है, ब्रेड बन रहा है या वाइन बन रहा है, तो ये लाइव ऑर्गेनिज्म जो है इसमें कनेक्टेड रहता है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, करा के हाउवर इट इज यूज्ड इन ए रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, करा कि इट इज यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे एंड रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन ए लार्ज स्केल। लेकिन अब जो है हम लोग देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं
उससे संबंधित ये हम लोग यूज़ करते हैं। करें कि फॉर मेनी अदर प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, टेक्निक्स हैं, ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। जैसे करें कि फॉर एग्जांपल के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी, ये जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी का आजकल पार्ट हम लोग इसको मान रहे हैं। करें कि सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन और कनेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, ये सारे क्या है पार्ट, ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये पुराने जमाने की बातचीत हो गई कि जो है ना ये जो चीज़ें हैं कि कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, ये सब क्या है, ये पुराने ज़माने का बायोटेक्नोलॉजी। और नए ज़माने का बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो है आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको मानते हैं हम लोग। करें कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवन ए डिफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन दिया है, किसने दिया है, तो बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया है, दैट इनकम्पसेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू। ये जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने जो डिफिनेशन दिया है उसमें ये ट्रेडिशनल व्यू भी है, दूध दही वाला, एंड मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी भी है। करा के द डिफिनीशन गिवन बाई ई एफ बी इज एस फैलो, इस तरह से हैं, करा कि द इंटरेक्शन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये डिफिनीशन अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल या फिर पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।